Good morning, all of you. Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. So 41,000 का जो call sell किया था कल, उसको 40,000 पे लेके आ जाओ. Square off 41,000 call and sell 40,000 call. कल के strategy में 41,000 का जो call square off किया sell किया था, उसको square off करो and sell 40,000 call option. 40,000 का call sell करो. And reply in the question box. Done. 40,000 का call sell करो. Reply in the question box. Done. हाँ, कल जो हम लोगों ने bull call spread में convert किया था ना, वही same. Yes. कर लो सबसे पहले. निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी वीक है. निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ है पर बैंक निफ्टी वीक है. क्रूडल काफी नीचे गिरा, नेचुरल गैस काफी नीचे गिरा है, हिंडाल्को नीचे ओपन हुआ है, टाटा पावर ऊपर है, अपोलो टायर ऊपर है, अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ है. ठीक है, कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट है. ठीक है, बैंक निफ्टी में बड़ा सपोर्ट 39,000 के आसपास है, तो 39,000 से नीचे तो लगता नहीं है. अगर आप मुझसे पूछो 39,000 से नीचे तो बैंक निफ्टी नहीं लग रहा. ठीक है, एक बार के लिए नहीं लग रहा, इमीडिएट बेसिस पे नहीं लग रहा है, थोड़ा वेट करते हैं. 39,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है मिस्टर सचिन, बहुत बड़ा सपोर्ट है 39,000. ठीक है, इतना मुझे नहीं लगता एक बार के लिए. निफ्टी का पहला कैंडल तो काफी अच्छा कैंडल है, ये जब तक पहला कैंडल का लो ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला. अरे ये डेटा लोडर में भी टाइम लगता है. ठीक है, हाँ निफ्टी बोल रहा हूँ, मैं भी निफ्टी बोल रहा हूँ. अगर आप कंपेयर करो ना 15 मिनट का चार्ट, तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है. ये देखो बैंक निफ्टी का पहला कैंडल देखो, निफ्टी का पहला कैंडल देखो. ठीक है, MTM कितना है मिस्टर आंसर, MTM बताओ मुझे. होल्ड है वो तो मुझे भी पता है, MTM मैटर है ना, MTM बताओ. बाकी सब ठीक है. हाँ तो स्क्वायर ऑफ कर दो उसको, थोड़ा सा बाउंस आएगा ना उसको रफ कर दो. 600 के आसपास कोई भी बाउंस आता है स्क्वायर ऑफ कर दो. फंसा हुआ ट्रेड है ना वो, कुछ मतलब नहीं है उसमें. फंसे हुए ट्रेड में ज्यादा लालच करना भी नहीं चाहिए, लॉस कवर हो गया बस बहुत है. आप 6,500-7,000 रुपए लॉस में थे, राइट? साढ़े छह सात हजार रुपए आप लॉस में थे ना. हाँ तो वो फंसे हुए ट्रेड में कुछ करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है ठीक है, अपोलो टायर बुलिश है, टाटा पावर बुलिश है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा वेट करो क्योंकि बैंक निफ्टी ना 39,000 पे तो मेजर सपोर्ट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है बैंक निफ्टी में. अब निफ्टी कहाँ तक, निफ्टी में 17,500 सपोर्ट है, निफ्टी कहाँ तक ये करता है वो देखते हैं थोड़ा. बैंक निफ्टी में फास्ट फॉल आ रहा है, करेक्ट, बैंक निफ्टी में थोड़ा फास्ट फॉल आ रहा है 289. ये बहुत ज्यादा गिरा कल, नेचुरल गैस बहुत ज्यादा गिरा कल. यस, कल नेचुरल गैस बहुत ज्यादा गिरा रात में. क्या बात है, बैंक निफ्टी तो एकदम बीबी चैलेंज पे ही ओपन हुआ है.
बैंक निफ्टी में यहाँ पे सपोर्ट है 39,200-39,300, काफी अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा वेट करो, वरना मैं बोलता भी नहीं आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा वेट करो। इंडसइंड बैंक नीचे और ये सब नीचे है। ये रुपी के कारण मूवमेंट आया, करेक्ट, रुपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ ना, इसीलिए मूवमेंट आया ऐसा। बाकी ऐसा कुछ एकदम से एक्सट्रीमली नेगेटिव या ऐसा कुछ नहीं लग रहा, रुपी के कारण मूवमेंट आया और कुछ नहीं। थोड़ा सा बैंक निफ्टी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, हैमर कैंडल बना है परफेक्ट। हैमर कैंडल बना है, निफ्टी 625 तक आ सकता है, तो बैंक निफ्टी 39,500 तक आ सकता है। 100 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर यहां से लग रहा है, और 625 40 पॉइंट निफ्टी लग रहा है। देखते हैं, थोड़ा सा वोलाटिलिटी है बट इतना तो मिनिमम लग रहा है। छह सौ पच्चीस तक लग रहा है, देखते हैं। कल वाली स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने 40,500 का कॉल बाय किया था, 41,000 का कॉल सेल किया था, राइट? Yes, तो उसमें अभी आपको 40,000 का कॉल सेल कर देना, 41,000 का कॉल स्क्वायर ऑफ कर दो एंड 40,000 के कॉल में आ जाओ सेलिंग में, तो उससे आपने क्रेडिट क्रेडिट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड में, राइट? स्टॉक स्कैनिंग जरा देख लेते हैं एक बार, कौन सा स्टॉक रडार पे आ रहा है, कोई स्टॉक आ रहा है क्या रडार पे, चेक कर लेते हैं। श्री सीमेंट है, कोल इंडिया है, एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट में बाइंग आ रहा है, ठीक है, एशियन पेंट चलेगा आज, एशियन पेंट, टाटा कंज्यूमर, ये दोनों स्टॉक चलेंगे, देखते हैं। टाटा कंज्यूमर भी रडार पे है और एशियन पेंट्स, आने का ट्राई कर रहा है बैंक निफ्टी ऊपर, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्राइस सेटल डाउन होगा अभी, क्योंकि ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, लो टेस्ट हुआ है, सपोर्ट के आसपास लेवल टेस्ट हुआ है, ये डेटा ओपन नहीं हो रहा है, नहीं अभी तक चालू नहीं हुआ, ये डेटा ओपन हो जाए तो भी थोड़ा प्रॉपर ये हो जाए सेटअप, डेटा ओपन नहीं हुआ अभी तक। टाटा पावर वन साइडेड ऊपर है, अपोलो टायर वन साइडेड ऊपर है, ये दोनों में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेचुरल गैस अभी बाय नहीं करना चाहिए, नेचुरल गैस 625 के आसपास बाय करो, 620 625 के आसपास, अभी तो बाय करके कुछ मतलब नहीं है नेचुरल गैस में, 620 625 के आसपास बाय करना, ये रहा 620 के आसपास, 620 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है नेचुरल गैस में, डबल बॉटम होता है वहां पे,
निफ्टी 594 टेस्ट होकर 439 आएगा। 594 तो आप ठीक है, मुझे लग रहा है 625 तक टेस्ट होगा, देखते हैं। मुझे 625 तक लग रहा है टेस्ट होने के लिए। एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है। एशियन पेंट एक मैसेज दे रहा हूँ मैं, एशियन पेंट थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है मुझे, बाकी तो कुछ ऐसा बड़ा। ये तो अपोलो हॉस्पिटल तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दिया था, ये रिमूव कर देते। टाटा मोटर्स रिमूव करते हैं, बीपीसीएल रिमूव करते हैं, हिंडाल्को ही रिमूव कर देता हूँ एक बार। एंड यहाँ पे ऐड करो इंट्राडे के हिसाब से एशियन पेंट्स, ये चलेगा आई थिंक। 3430 के आसपास सस्टेन करना चाहिए, ये चलेगा, इसमें काफी अच्छा पाएंगे। निफ्टी एक बार 17600 क्लेम कर लेगा ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आई थिंक पॉसिबल है पूरा गैप फिलिंग करने आए ये, यहाँ तक 630 640 तक आए गैप फिलिंग करने। 17600 एक बार सस्टेन करना चाहिए। थोड़ा सा मैं जल्दी निकल गया बट ठीक है, मैंने कुछ कॉल्स एक्स्ट्रा शॉर्ट किए थे कल, थोड़ा सा मैं जल्दी निकल गया। ये आएगा आई थिंक, गैप फिलिंग करने की कोशिश तो कर रहा है, देखते हैं। 17600 अगर टेस्ट करेगा तो डेफिनेटली आएगा ये, 17600 के ऊपर चाहिए निफ्टी। एमआरपीएल रेडार पे लगा लो, एमआरपीएल में बाइंग चालू हुआ है। एमआरपीएल में बाइंग चालू हुआ है, एमआरपीएल रेडार पे लगा लो। एमआरपीएल भी आपके रडार पे होना चाहिए, एमआरपीएल ये भी स्टॉक रडार पे लगा लो। आपको याद होगा पहले भी मैंने कई बार बाई दिया था, 100 रुपए का टारगेट दिया था, जाके भी आया था ये, और आज भी इसमें बाइंग चालू हुआ है एमआरपीएल में, तो एमआरपीएल भी चलेगा, इस पे थोड़ा ध्यान देना। एशियन पेंट्स मैंने बाय दिया हुआ है, एशियन पेंट्स मैंने मेंटर वाले ग्रुप में भी मैसेज कर दिया ना, एक सेकंड। एशियन पेंट्स मैंने यहाँ पे मैसेज किया हुआ है, प्लस एमआरपीएल रडार पे रख लो, एमआरपीएल चलेगा। एमआरपीएल चलेगा, एमआरपीएल रडार पे रख लो। ये दो स्टॉक है जो चलेंगे मुझे लग रहा है। 17600 अगर क्रॉस किया उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। ये देखो ये रहा, ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेवल ऑलरेडी इसी लेवल के आसपास है निफ्टी, ये लेवल एक बार टेकन आउट हुआ तो पूरा गैप फिल होगा। दिख रहा मेरा स्क्रीन, प्लीज रिप्लाई। ये टेकन आउट हुआ ना तो पूरा गैप फिल होगा। लॉन्ग बिल्डअप कहां से, प्राइस तो इतना माइनस है, लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, लॉन्ग बिल्डअप नहीं है। बलरामपुर चीनी नहीं, रुक जाओ, इसमें कुछ इतना नहीं, नहीं। हाँ डेटा भेजो मुझे। चलो 17600 के ऊपर निफ्टी चाहिए 10 बजे का कैंडल,
ये लेवल क्रॉस करेगा तो यहां तक आ सकता है 640 तक, तो फिर बैंक निफ्टी मतलब 550 तक आएगा, 550 तक, 39,550, 500 तक, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर ये लेवल क्रॉस करता है तो। एक कैंडल में स्पाइक देना चाहिए। बैंक निफ्टी का एमटीएम भी इंक्रीज होगा ना फिर, अगर एक कैंडल में ऊपर की तरफ स्पाइक देता है तो बैंक निफ्टी का एमटीएम भी इंक्रीज होगा फिर। सर मिस्टर आंसर, ये एलटीपी से प्लस पॉजिटिव कैसे प्राइस बता रहा है जबकि क्लोजिंग से इतना पॉइंट नीचे है? ये थोड़ा सा चेक करो, आपने जो भेजा है ना एलटीपी में उसमें पॉजिटिव बता रहा है एलटीपी से, जरा चेक कर लो। लॉन्ग बिल्डअप नहीं होगा क्योंकि कल के क्लोजिंग से काफी ज्यादा नीचे है। बलरामपुर चीनी में कोई ट्रेड नहीं है, थोड़ा वेट करो। एमआरपीएल मैंने बाई दिया हुआ है, एमआरपीएल और एशियन पेंट ये दो मैंने बाई दिया है। निकल गए आप मिस्टर आंसर वॉलेट ट्रेड से, निफ्टी स्ट्रैटेजी से? हाँ निकल गए या नहीं, स्क्वायर ऑफ किया या नहीं किया? हाँ मुझे बता दो स्क्वायर ऑफ किया या नहीं किया। ये लेवल अगर क्रॉस करता है ना तो 640 तक आएगा तभी निकल जाना, तो ये लालच मत करना। ये लेवल क्रॉस चाहिए हमें 17,600, ये लेवल क्रॉस होता है 640 तक आएगा, ये 630-640 तक तभी कर देना, लालच मत करना। एमआरपीएल चल रहा है, एमआरपीएल पे ध्यान दो, एमआरपीएल चल रहा है, एमआरपीएल चलेगा। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला कैंडल एक एक स्पाइक मारेगा ना तो 630 तक का टारगेट आता है निफ्टी का। निफ्टी 630 मतलब बैंक निफ्टी 39,500 के ऊपर, 39,500 के आसपास तक। सौ पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। ये लेवल क्रॉस करना चाहिए 17,600। निकले निकले 17,600 के ऊपर निकले, बस ट्राई कर रहा है। 590 आया है, फाइव नाइनटी वन एक कैंडल में क्रॉस करना चाहिए। इसलिए मैं 10 बजे तक का वेट कर रहा हूँ, यही बस 10 बजे तक का कैंडल ही है जो मेजर है आई थिंक, और इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ बस। नेक्स्ट कैंडल में एक क्लोज कर दे तो भी चलेगा, 17,600 के ऊपर चाहिए। फाइव नाइनटी वन का है बनाया है स्पॉट में ना, स्पॉट में आप बोल रहे हो फ्यूचर में बोल रहे हो मिस्टर सचिन? यही लेवल है देखो, ये लेवल, ये 594 ही मेन है, ये लेवल के नीचे ओपन हुआ है।
स्टॉक स्कैनिंग जरा देखते हैं एक बार, कोई नया स्टॉक रडार पे आया है क्या। एसीसी, क्या हुआ एसीसी में? एसीसी, अंबुजा सीमेंट, सीमेंट स्टॉक्स में एकदम तेजी आ गया। एसीसी तो क्या जबरदस्त भागा है, ओहो इतना बड़ा ब्रेकआउट। एसीसी में मल्टीपल ब्रेकआउट आया है, एकदम बड़ा वाला ब्रेकआउट है एसीसी में तो। बड़ा वाला ब्रेकआउट आया एसीसी में। बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, ये स्टॉक भी रडार पे रखना। क्रॉस तो नहीं कर रहा है, 590, 17600 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। जो मैंने आपको 4-5 दिन से लेवल बोला था, 17600 एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है। ये लेवल क्रॉस होगा तभी 30-40 पॉइंट का निफ्टी में रैली आएगा, और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का। हाँ एसीसी में बड़ा ब्रेकआउट है, 2600 तक का तो मिनिमम टारगेट है, 2600 मिनिमम टारगेट है उतना तो। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर हो रहा है कंपेयर टू निफ्टी। अभी थोड़ा सा बेटर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कंपेयर टू निफ्टी। टाटा पावर 250 क्रॉस, टाटा पावर चलेगा। आया रेड कैंडल बनाया निफ्टी में, सत्रह 600 टेस्ट क्रॉस नहीं किया इसने, देखो एग्जैक्ट लेवल क्रॉस ही नहीं किया इसने, एग्जैक्ट लेवल यहीं पे टच किया फिर वापस नीचे आया। बड़ी निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये जो कैंडल बना है ना, पहला कैंडल, ये काफी अच्छा सपोर्ट कैंडल बना है, और ये इसी सपोर्ट के आसपास से बना है, तो कोई बड़ा फॉल भी नहीं लगता और कोई बड़ा अपसाइड रेंज भी नहीं लगता, ये थोड़ा सा एक रेंज में फंस चुका है। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, अगर कोई रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ये देखो ना यहाँ पे मिस्टर सचिन, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है और ये एक छोटा रेजिस्टेंस है। 17600 क्रॉस करेगा, एक गैप फिलिंग करने जरूर आएगा, पूरा जो गैप डाउन हुआ है ना, गैप फिलिंग करने आएगा ये। टाटा पावर और अपोलो टायर, ये दोनों बुलिश ट्रेड ओपन है, दोनों में बुलिश ट्रेड ओपन है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आया है, क्योंकि निफ्टी देखो, निफ्टी 10 पॉइंट नीचे है, पर बैंक निफ्टी 39400 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा सा मामूली सा स्ट्रेंथ आया है बैंक निफ्टी में, वो स्ट्रेंथ कितने देर रहेगा वो पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा मामूली सा स्ट्रेंथ आया है।
काफी इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास है ये रहा 590 एंड यहाँ पर 560 570 बहुत क्रूशल लेवल है। थोड़ा सा वेट करो, 2-3 मिनट और वेट करो, मेरे हिसाब से कोई बैंकिंग स्टॉक में ट्रेड मिल सकता है। बैंकिंग स्टॉक देखते हैं जरा, बैंकिंग स्टॉक में कोई ना कोई ट्रेड मिल सकता है। इवनिंग स्टार बने हुए हैं सारे बैंकिंग स्टॉक्स में, तो इवनिंग स्टार बने हुए हैं, क्या ट्रेड लेंगे? इवनिंग स्टार में फिर ट्रेड लेने में भी काफी रिस्की हो जाता है। हाँ ओपन है मिस्टर सोन साहू, लेकिन मार्केट थोड़ा सा देखते हैं अभी, गैप फिलिंग करके फिर नीचे आएगा तो अच्छा है। गैप फिलिंग तो करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये गैप काफी पेंडिंग है, गैप फिलिंग करने आएगा ये। साइडवेज है अभी तक, तो कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है। गैप डाउन होने के बाद कुछ फॉलो थ्रू सेलिंग कुछ भी नहीं है, फॉलो थ्रू सेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। गैप डाउन हुआ है लेकिन बाकी कुछ है नहीं है सर, फॉलो थ्रू सेलिंग वगैरह के बहुत बड़ा गैप डाउन या ऐसा कुछ हो जाए, बहुत बड़ा फॉलो थ्रू सेलिंग आ जाए ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, दिख रहा है? तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, इसने ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन तक वापस रिटेस्ट करके फिर गिर सकता है 630 तक। हाँ तो 625 630 आने के बाद फिर गिर सकता है ना, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करेगा गैप डाउन का देन फॉल, ऐसा है ना, मुझे तो यही सेटअप लग रहा है। निफ्टी आवरली में क्या लग रहा है, निफ्टी आवरली देख लेते हैं। चलो यही है ना, सेम है, देखो ना ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है इसने, दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन? ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है इसने, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करेगा देन फॉल, सेम है यही, 17,300-400 के आसपास टारगेट आता है, 17,400। सत्रह चार सौ के आसपास आ रहा है टारगेट इसका, एंड 38,500 तक टारगेट आ सकता है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक्सट्रीमली नेगेटिव लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी, बढ़िया गैप फिलिंग करने आएगा एक बार, पहले गैप फिल करेगा उसके बाद ही जाएगा मुझे लग रहा है नीचे। कर दो उसको रफ कर दो, तो कुछ मतलब वो रॉन्ग ट्रेड था ना, इसलिए इसको रफ कर दो। रॉन्ग ट्रेड में मेरे हिसाब से होप लगाना कुछ मतलब नहीं है। थोड़ा सा ट्राई किया बैंक निफ्टी ने, मैंने आपको बोला जैसे कि ये 450 तक आएगा, ये 450 तक, 500 तक भी टेस्ट कर सकता है ये एक बार, उसके बाद गिरेगा ये। देखो 422 आ रहा है ना, वहां तक लग रहा है एक बार, उसके बाद नहीं लगता। आया 449 का स्पाइक बना है देखो, मैंने आपको बोला बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, निफ्टी फिर भी ठीक है बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करो मिस्टर सोन सा, प्रॉफिट रेंज में है तो होल्ड करना है, अगर प्रॉफिट रेंज में है तो होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉफिट रेंज में है ना, तो होल्ड करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। टेस्ट करने आ सकता है, ये देखते हैं। बाउंस में शॉर्ट करना चाहिए निफ्टी, आंसर इज यस, निफ्टी थोड़ा सा वीक है और बाउंस में शॉर्ट करना चाहिए, बाउंस आएगा तब शॉर्ट करना है, अभी तो शॉर्ट करके मतलब नहीं। थर्टी नाइन 500 आ गया ऑलमोस्ट, जो मैंने आपको टारगेट बोला 39,500 ऑलमोस्ट आ गया, देखो 39,480। इसके बाद यहां से नेगेटिव लगता है, बेरिश लगता है। फाइव 25,50 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए इसको, 600 तक शॉर्ट है ये, फिर कोई भी बाउंस आएगा 600 तक शॉर्ट है बैंक निफ्टी। चार्ट वाइज स्ट्रक्चर निफ्टी का स्ट्रॉन्ग है बट ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी, ऐसा हो रहा है। चार्ट वाइज स्ट्रक्चर निफ्टी का स्ट्रॉन्ग है बट जा रहा है ऊपर बैंक निफ्टी। और देखते हैं अगर और कोई स्टॉक आया है क्या रडार पे, चेक कर लेते हैं जरा। आरबीएल बैंक क्या होगा, आरबीएल बैंक तो कुछ मतलब ही नहीं है। कोटक 1901 का टारगेट आ चुका है। एयू बैंक नीचे लग रहा है, एयू बैंक भी जाएगा। बंधन बैंक नीचे लग रहा है, और ये बहुत डेंजर लग रहा है। इंडसइंड बैंक इसमें एग्रेसिव सेल ऑफ है ऊपर के लेवल से, निफ्टी में कोई स्टॉक है क्या वो भी चेक कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल में हुआ क्या है, भारतीय एयरटेल लो बनाया 686 का और 750 का प्राइस है, ऐसा हुआ है क्या भारतीय एयरटेल में, 686 का लो बना के 750 का प्राइस है, बहुत ही डेंजरस ये हुआ है। आईटी आज भी नीचे है, करेक्ट, आईटी आज भी नीचे है, सेल टेक टेकेम सब नीचे है। आईटी में तो पता नहीं क्या हुआ, आईटी में तो बहुत ज्यादा बैंड ही बजी हुई है आईटी में तो। सेकेंड हाफ में फॉल लग रहा है, मतलब वापस जो मैंने टारगेट बोला था 39,500 वो आ चुका है, 550 तक मैक्स टू मैक्स लग रहा था। निफ्टी 17,600 तक भी नहीं आ रहा है तो निफ्टी तो और ज्यादा वीक है, एंड ये वापस फॉल आ जाएगा। 17,600 क्रॉस करेगा तो 630 है, बट उससे ज्यादा ऊपर नहीं लगता। टाटा पावर वन साइडेड 251, क्या बात है, वन साइडेड है टाटा पावर।
39,500 कॉल टच करेगा, 39,500 का कॉल, एक मिनट रुको, सॉरी, नहीं लगता उसके लिए बैंक निफ्टी को 39,600 तक टेस्ट करना पड़ेगा, और सामने निफ्टी बहुत ज्यादा वीक है, निफ्टी ज्यादा वीक है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है, निफ्टी उसी लेवल के आसपास है, 17,600 ही था, अभी 17,583 है, निफ्टी ज्यादा वीक है आज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। नहीं, कोई कंफर्मेशन वाला ट्रेड हुआ तो ही लेंगे, अदरवाइज नेकेड ऑप्शंस बाइंग नहीं लेंगे, सेलिंग लेंगे, ठीक है, बट कंफर्मेशन आने दो, या तो 17,600 क्रॉस होने दो, या फिर 17,630-40 के आसपास आएगा, तब क्या पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से देखेंगे। थर्टी नाइन फाइव हंड्रेड आया, 500 तक तो लग ही रहा था, अब कोई भी बाउंस आता है बैंक निफ्टी शॉर्ट है ऐसा, यहां तक 550 तक कोई भी बाउंस आएगा शॉर्ट है, ये रहा, ये लेवल काफी क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, ये दिख रहा है, ये दिखा, बहुत क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, ये क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है 550-540 के आसपास। सत्रह 600 पुट काफी अच्छा फिर बेटर ट्रेड था, बट टाइमिंग, हाँ वो एक्चुअली इतना ज्यादा स्पाइक किया ना कल उसने, सी नॉर्मली क्या होता है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, परसेंट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, एक फॉल आया, उसके बाद जब वी शेप रिकवरी होती है ना तो वापस फॉल बहुत कम आता है, ठीक है, कल ऐसा वी शेप रिकवरी हुआ और फिर फॉल आया एंड आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ऐसा मोमेंट है कल और आज का मिला के, समझ में आ रहा है, ये 17,600 था हमारा, दिख रहा है, प्लीज रिप्लाई, ये 17,600 था, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर वी शेप रिकवरी हो रही है तो इसी के आसपास कहीं पे क्लोज देता है, देन इट कंटिन्यू अप ट्रेंड, बिकॉज शॉर्ट है, ट्रैप हो चुके हैं, 90% ऑफ द टाइम्स ये होता है, लेकिन कल इसने और ज्यादा वोलेटिलिटी किया और ये लेवल भी ब्रेक किया और आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। आने दो मिस्टर आंसर, आने दो, ये तो मुझे बैंक निफ्टी 38,500 तक लग रहा है, ये निफ्टी में फॉल आना चालू हुआ ना तो निफ्टी में सीधा डायरेक्ट स्टॉप है 17,400, यानी 180 पॉइंट्स और, यानी बैंक निफ्टी आ जाएगा 39,000 के नीचे, 38,500 भी पॉसिबल है, तो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 500 पॉइंट का फॉल और आया आपका एमटीएम सीधा 25,000 के ऊपर रहेगा, ये बात है। अरे फॉलो थ्रू सेलिंग लेकिन मिसिंग है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है फिर अटक गया मार्केट, गैप डाउन ओपनिंग के बाद अटक गया मार्केट, फॉलो थ्रू सेलिंग मिसिंग है, ये ऑब्जर्व किया है क्या, स्टक हो गया मार्केट, फॉलो थ्रू सेलिंग मिसिंग है, सॉरी, अब फॉल जो आएगा वो निफ्टी में ज्यादा आएगा क्योंकि निफ्टी में इतने कैंडल्स बन चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, निफ्टी जरा सा भी कोशिश नहीं कर रहा ऊपर जाने का,
फॉल जो आएगा वो निफ्टी में ही सबसे पहले आएगा। नेचुरल गैस में ट्रेड लेंगे, अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। 615 620 के आसपास आएगा ना तब बाइंग करना है, अभी तो कुछ नहीं करना है। बोलिंजर बैंड चैलेंज हो रहा है इसमें भी, चैलेंज हो रहा है। निफ्टी में तो बोलिंजर बैंड मिडल बैंड तोड़ा ही है, बैंक निफ्टी ने भी तोड़ा ही है आवरली पे। सेटअप सब खराब ही है, कुछ भी ऐसा पॉजिटिव सेटअप ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रॉसओवर हुआ नहीं अभी तक। निफ्टी आएगा नीचे और कुछ नहीं है, निफ्टी खराब लग रहा है। सीजीएन इंटरनेशनल एचएल चल रहा है, नॉन स्टॉप बायर एनएलसी चल रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, कोई भी फर्दर ट्रेड रहेगा आई विल अपडेट यू। बट निफ्टी थोड़ा खराब लग रहा है, 17400 तक लग रहा है निफ्टी। निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस रहना, ये फॉल अभी स्टार्ट हुआ है और जरा सा भी स्ट्रेंथ नहीं है निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहना, करेक्ट। बट व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, कोई भी फर्दर ट्रेड रहेगा आई विल अपडेट यू ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, हितेश पटेल पूछ रहे गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर देख लेते हैं एक बार, एक सेकंड रुको। गोदरेज कंज्यूमर में आवरली पे ब्रेकआउट है, यस बीबी चैलेंज है, बाइंग बाइंग कर सकते हैं। यस ये रहा बाइंग का है, बट स्टिल बाइंग वाला ट्रेड में क्या दिक्कत है, क्योंकि निफ्टी वीक है तो बाइंग वाला ट्रेड ऊपर जाके फंस सकता है, अटक सकता है। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा क्वांटिटी मत करना। हिंडालको टाटा मोटर्स में निफ्टी में फॉल आ रहा है ना 17500 के आसपास, अगर निफ्टी आता है तब प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि 17500 17400 के बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा निफ्टी। ठीक है, ठीक है मिस्टर अंसर, चलो अच्छा है, आपका लॉस वाला ट्रेड प्रॉफिट में आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, कोई भी फर्दर ट्रेड रहेगा आई विल अपडेट यू ऑन व्हाट्सएप, और बैंक निफ्टी का एमटीएम मुझे अपडेट करते रहना। ठीक है, हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।